इस बार काफी सारे कॉलेजेस है जहाँ पर एक नया ब्रांच ऐड हुआ है, वो ब्रांच आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे कि ब्रांच कैसा है, क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब देखो, ये जो ब्रांच है आपका ईसी से बेहतर ही है, ये कन्फर्म है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम रहेगा एंड जो आपका कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड है वहाँ पर टिल्टेड ज़्यादा रहेगा। तो ईसी जो है वहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दोनों ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो एंड कम्युनिकेशन ही पढ़ो, लेकिन ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, तो यहाँ पर बस इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट पढ़ना पड़ेगा एंड यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर थोड़ा टफ बन जाता है आपको चीज़ों को मैनेज करना। देखो, बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सिलेबस लगभग एक ही होता है, थर्ड ईयर से जो मेन सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है वो ना स्टार्ट होता है एंड देन वहाँ पर हो सकता है कि आपको मैनेज करना थोड़ा टफ बन जाता है। जो ईसी है मैनेज कर सकते हो, लेकिन कंपेयर में बता रहा हूँ, ठीक है, बट वही आपका बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का, ये ईजियर है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए ये समझ लो, ठीक है, पहले सी एस सी रखना, देन आई टी रखना, देन सी एस सी स्पेशलाइजेशन रखना आपका, लाइक जो भी है ए आई एन एम एल है, डी एस है, बी एस है, ए एन एम एल आपका, साइबर सिक्योरिटी, आई ओ टी, ब्लॉकचेन, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद आप ये रख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आप इसी रख सकते हो, तो ये प्रॉपर आपका ऑर्डरिंग होना चाहिए। एंड देखो, एक और ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, तो वो आप इसी के बाद रख सकते हैं, बट ट्राई कीजिए जो प्राइवेट कॉलेज है वो प्राइवेट करने का, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वहाँ पर थोड़ा और मतलब आपका जो सिमिलरिटी है अगर बात करें कंप्यूटर साइंस के फील्ड से वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको आई टी फील्ड में ही जाना है ना, तो आप यहाँ तक एकदम आराम से लग सकते हो, सी एस सी आई टी, सी एस सी स्पेशलाइजेशन एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कई से कॉलेज से ऐड हुई है, तो डेफिनेटली आपको ये ब्रांच कंसिडर करना चाहिए एंड खास करके जिन बच्चों का रैंक ज़्यादा है, तो ये तो ब्रांच लो ही, ठीक है। कई से स्टूडेंट है जिनका रैंक हाई है तो सी एस सी आई टी ही ले रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, कंपनी आएंगी तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा बैठने का ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, ठीक है। तो ये मैटर करता है कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, स्किल तो मैटर करता ही करता है, बट कॉलेज मैटर करता है कुछ हद तक, ठीक है।